हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं टेकमैन सुरेश चैनल। दोस्तों, ऑटो एक्सपो 2023 में अतुल ने लॉन्च किया है अपना अतुल एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो, जिसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में गाड़ी का एक्चुअल रेंज और गाड़ी के कुछ हाईलाइट फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यदि आपको इसी तरह का गाड़ियों का वीडियो देखना पसंद है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फिर चलो दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका ओवरऑल लुक्स और डिजाइन के बारे में। तो ये हमें काफ़ी सिमिलर लगता है अतुल जेम जैसा, और फ्रंट में आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको एनर्जी के बैजिंग और यहाँ पर सेंटर में अतुल का क्रोम फिनिश में बैजिंग देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में एनर्जी का स्टिकरिंग बैजिंग आपको प्रोवाइड किया गया है। और लाइट्स में दोस्तों बिग साइज हैलोजन बल्ब टाइप हेडलैम्प्स, साइड में है दोस्तों मल्टीफंक्शनल टर्न इंडिकेटर्स, क्योंकि आपको अतुल की गाड़ियों में जैसा आपको दिखने को मिलता था पहले, ये भी आपको सेम दिखने को मिलता है। जबकि साइड में कुछ नया ग्राफिक्स इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि इसका लुक को और भी थोड़ा अट्रैक्टिव बना देता है। और इसमें आपको ब्लैक कलर में दिखने को मिलेगा इसका मड फ्लैप। टायर्स की बात करें, इसमें आपको 10 इंच का टायर मिलता है। आप देख सकते हैं टायर साइज भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। पीछे भी दोस्तों आपको मिलता है 4.50 आर 10 इंच का टायर्स। सस्पेंशन में फ्रंट में है हेलिकल कंप्रेशन विथ टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर, जो कि पीछे दोस्तों आपको दिखने को मिलता है रबर कंप्रेशन विथ टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर, जो कि गाड़ी को और भी शानदार बना देता है। इस वजह से आप इसे किसी भी रास्तों पर कंफर्टेबली चला सकते हैं। गाड़ी का कुछ टेक्निकल फीचर्स की बात करें, इसका व्हील बेस है 2105 mm, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस है 240 mm। राइट साइड में आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखते हुए मिलता है इसका बैटरी, जबकि दोस्तों इसका चार्जिंग पॉइंट आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें, इसमें लगा गया है अतुल का AIS 156 बैटरी पैक, जिसका रेंज है 195 km। आप इसे एक बार चार्ज करेंगे तो 195 km तक चला सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों गाड़ी का लोडिंग कैपेसिटी के बारे में। तो इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है 995 kg, कोर वेट है 458 kg, जबकि पेलोड कैपेसिटी है 537 kg, जो कि दोस्तों अतुल जेम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म सेम है, इस वजह से इसमें आप आराम से 500 kg तक पेलोड ले सकते हैं। बात करते हैं कार्गो बॉडी डायमेंशन के बारे में। तो इसका कार्गो बॉडी का लंबाई है 6 ft 2 in, चौड़ाई है 4 ft 10 in, जबकि ऊंचाई है 10 in तक। और यह दोस्तों इसका रियर का व्यू, पीछे आपको अतुल का बड़ा सा बैजिंग दिखने को मिलता है और उसके नीचे एनर्जी का भी स्टाइलिश स्टिकरिंग बैजिंग इसमें प्रोवाइड किया गया है। यह दोस्तों इसका स्टैंडर्ड टेल लाइट्स, और यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस मिलता है। और जब आप पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर इसका इंजन, बैटरी, सभी चीज़ें आपको इसी तरीके से देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड में आपको कुछ अट्रैक्टिव ग्राफिक्स इसमें दिखने को मिलेगा, जो कि इसके लुक को थोड़ा आपको आई कैची बना देता है। प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, अभी इसका अप्रोक्सीमेट एक्सोरूम प्राइस रहेगा 4 lakh से लेके 4,50,000 रुपये तक। जब गाड़ी शोरूम में आएगा तब दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे। ये था दोस्तों गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर। चलिए देखते हैं इसका इंटीरियर। तो दोनों साइड डोर में आपको अतुल का बैजिंग देखने को मिल जाता है। डोर को ओपन करने के बाद इसका डैशबोर्ड हमें अतुल जेम जैसा ही दोस्तों देखने को मिलता है, जिसमें सीट के नीचे लगा गया है इसका स्पेयर टायर। और इसका सीट दोस्तों आपको काफ़ी वाइडर मिलेगा लॉन्ग जर्नी में ट्रैवल करने के लिए। पीछे आपको मिलता है बैक रेस्ट। सीट दोस्तों इसका बहुत ही कंफर्टेबल है, और यहाँ पर दिया गया है इसका हैंड ब्रेक। लेग रूम में भी दोस्तों इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर आपको मिलता है इसका की होल, और उसके ऊपर आपको बहुत सारे स्टोरेज का ऑप्शन भी मिलता है। और यहाँ पर है दोस्तों इसका 4x स्विच, इसका वाइपर कंट्रोल और इसका लाइटिंग कंट्रोल्स। यहाँ पर आप आराम से मोबाइल रख सकते हैं। और इसमें आपको देखने को मिलता है कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जरूरी सामान रखने के लिए। राइट साइड में आपको मिलता है लॉकेबल ग्लोव बॉक्स, और राइट साइड में यहाँ पर है दोस्तों इसका स्विचिंग कंट्रोल, जिसमें आता है इसका गियर कंट्रोल। एन का मतलब है न्यूट्रल, डी का मतलब है ड्राइव, और आर का मतलब है रिवर्स। उसके साथ इसका हॉर्न, टर्न इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम लाइट्स आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका हैंडल में आपको अतुल का लोगो भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर है इसका LED टाइप रीडिंग लाइट्स, जो कि रात में डिसेंट विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और यह दोस्तों इसका ओवरऑल ड्राइवर केबिन का व्यू। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका ड्राइवर केबिन और गाड़ी आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस गाड़ी का देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। गाड़ी के रिलेटेड यदि आप लोग का कोई सुझाव है या फिर कुछ रिक्वेस्ट है तो फिर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। ये था दोस्तों गाड़ी का ओवरऑल डिटेल रिव्यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।